हमें प्रूव करना है दो कंसेंट्रिक सर्कल्स में यानी सर्कल्स जिनका सेंटर सेम में कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को वो बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में मैं यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल सी वन और सी टू मान लेता हूँ जिनका सेंटर है पॉइंट ओ इसको मैं लिख लेता हूँ कुछ ऐसे अब यहाँ पे ए बी हम कॉर्ड मानते हैं बिगर सर्कल C1 की ये टच करती है स्मॉलर सर्कल C2 को पॉइंट पी पे यानी यहाँ पे मेरा पॉइंट पी होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमें प्रूव करना है ये जो कॉर्ड है ए बी ये बाइसेक्ट होती है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में यानी कॉर्ड ए बी बाइसेकट होती है पॉइंट पी पे बाइसेक्ट का मतलब आधी होती है यानी ए पी और बी पी इक्वल होने चाहिए फिर तो हमें प्रूव करना है ए पी इक्वल टू बी पी इसका हम सोल्यूशन देखते हैं अब यहां पे मैं नोटिस करूं ए बी मेरा टेंजेंट है सर्कल सी टू का तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं टेंजेंट होता है प्रिपेंडिकुलर टू द रेडियस तो यहां पे ओ होगा प्रिपेंडिकुलर टू ए बी तो ये मेरा कुछ ऐसे आ गया अब क्योंकि ओ और ए बी प्रिपेंडिकुलर है तो मेरा एंगल ओ पी यानी ये वाला एंगल और एंगल ओ बी ये दोनों एंगल्स होंगे नाइन्टी डिग्री इसका मतलब ट्रैंगल ओ पी ए यहाँ पर हम ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये ट्रैंगल ओ होगा राइट एंगल ट्राएंगल ऐसे ही ट्रैंगल ओ बी होगा राइट एंगल ट्राएंगल अब यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं जो कि होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अगर मैं ट्राएंगल ओ ए पी की बात करूँ इस ट्राएंगल की तो इस ट्राइंगल में, में मेरा एंगल पी नाइनटी है तो नाइन्टी के ऑपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज तो हाइपोटेन्यूज होगा ओ ए तो लेफ्ट साइड आएगा ओ ए का स्क्वायर यहाँ पे हम हाइट को ओ पी मान लेते हैं बेस को ए पी तो ये आएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर यानी ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायर आ गया ए पी स्क्वायर के बराबर कुछ ऐसे इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं सिमिलरली हम यहां पे राइट ट्रायंगल ओ पी बी मानते हैं ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के ऑपोजिट साइड होगी हाइपरटेन्यूस तो हाइपरटेन्यूस होगा ओ बी तो लेफ्ट साइड आएगा ओ बी का स्क्वायर हाइट को हम ओ पी मान लेते हैं बेस को बी पी तो ओ पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर अब यहां पे हमारा ओ ए और ओ बी इक्वल होगा क्योंकि दोनों है रेडियस ऑफ सर्कल सी वन तो यहां पे ओ बी की जगह मैं ओए लिखता हूं तो ओ ए स्क्वायर मेरा ये आ गया यानी बी पी स्क्वायेयर आ गया मेरा ओ ए स्क्वायर माइनस ओ पी स्क्वायेयर इसको मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूं मैं नोटिस करूँ फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में मेरी राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर आएगा यानी ए पी इक्वल टू बी पी आएगा हमें यही प्रूफ करना था हेंस प्रूफ